राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर दिल्ली भाजपा प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के निलंबित सांसद सरकार के खिलाफ मार्च भी निकाल रहे। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह भिदुड़ी समेत कई अन्य नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोपहर 12 बजे से जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं आज विपक्ष भी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहा। मार्च पुराने संसद से विजय चौक तक निकाला जा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार के रवैये पर शुक्रवार यानी कि कल देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। यह मार्च निलंबित सांसदों के लिए निकाला जा रहा है। पीएम मोदी सदन में बात नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस ने बुधवार को अपने कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा। देश की लड़ाई अब युवा लड़ेगा और सत्ता के घमंड को तोड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने यूथ कांग्रेस के संसद घेराव में देश भर से आए हजारों युवा कार्यकर्ता को संबोधित किया।